So hello everyone, in today's class we will discuss about reaction reagents. और reaction reagents में हम आज बात करने वाले हैं electrophiles के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो reaction होती है उसमें दो types का reagent आ सकता है. या तो बेटा वो reagent electrophile होगा, या तो वो रिएजेंट आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, या फिर बेटा जी वो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल होगा. सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स. सारा कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होगा, किन स्पीशीज को आप इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डालते हैं. तो बेटा आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं. मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या फिर जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है उनको आप लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी बोल सकते हैं. जो इलेक्ट्रॉन को चाहे, इलेक्ट्रॉन को कौन चाहना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा. या तो आप इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज बोलिए, या फिर आप इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट बेटा? सो इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. पॉइंट नंबर सेकंड देखिएगा, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. Obviously बेटा, जो स्पीशीज आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ, या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज की तरफ, राइट बेटा जी? सो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. नेगेटिव चार्ज को ये क्या करना चाहती है बेटा? अट्रैक्ट करना चाहती है इलेक्ट्रोफाइल्स. लिसन केयरफुली, these are either one electron or two electron deficient species. या तो बेटा जी electrophiles आपका एक electron को accept करना चाहेगा, या फिर बेटा electrophile आपका दो electrons को accept करने की कोशिश करेगा. So these are either one electron or two electron deficient species. मेरी बात सुनिएगा, those compounds in which electron deficient species, compound भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं, intermediate भी हो सकते हैं. Those compound in which electron deficient atom, atom word ज्यादा अच्छा लिखना पड़ेगा, electron deficient atom has 6 electron, 7 electron or 0 electron will behave as an electrophile. जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीशीज को आप लोग इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में डालते हैं, राइट बेटा? जैसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं. 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें, एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3 पॉजिटिव. कार्बन के पास आप देख पा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है. 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल. 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बात करें तो आप लिख सकते हैं CH3 रेडिकल.
कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का कैटेगरी में डालेंगे। जीरो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बात करें तो आप आंसर क्या लिखेंगे, एच प्लस। एच प्लस के पास बेटा जी जीरो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई एच प्लस को भी क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाला जाएगा। राइट बेटा, फोर टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है इलेक्ट्रोफाइल्स आर कैटेगराइज into four types। चार कैटेगरी में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल को बांटा है बेटा, मेरी बात सुन लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, कैटायोनिक स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। पहले कैटेगरी में कौन आने वाला है, कैटायोनिक स्पीशीज आने वाली हैं जिनके पास वैलेंस शेल बेटा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब वैलेंस शेल में जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे मैं फर्स्ट शेल का बात करूं कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सेकेंड शेल का बात करूं कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, एच प्लस ले सकते हैं, सी एल प्लस ले सकते हैं। एच प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है, कैटायोनिक स्पीशीज चार्ज पॉजिटिव है, दैट्स वाई एच प्लस को बेटा आप इस कैटेगरी में डालेंगे। Cl प्लस हो जाएगा, Br प्लस हो जाएगा, राइट और नॉट। RCH2 प्लस हो जाएगा, R कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर NO2 प्लस हो जाएगा, या फिर बेटा जी RC डबल बोंड O प्लस हो जाएगा। मतलब ये जितना भी कैटेगरी है बेटा, ये फर्स्ट कैटेगरी के हिस्से में आती है, कैटायोनिक स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। राइट बेटा, सभी स्पीशीज में आप देख पा रहे हैं, यदि अपन बात करें यहां पे आपको 0 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वैलेंस शेल की मैं बात कर रहा हूं, वैलेंस शेल में यहां पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहां भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहां भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहां भी आपको कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहां भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये सभी स्पीशीज किस कैटेगरी में आती है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आती है। This is fine to you. 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, जब ही बेटा इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब these species can also accept the pair of electron, और यदि ये pair of electron accept करेंगे तो आप इन species को Lewis acid का नाम भी दे सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, all these इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो नोन एज लुइस एसिड। बेटा ये जितना भी इलेक्ट्रोफाइल्स अपन पढ़ रहे हैं, कैटायोनिक स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इनको क्या बोला जाता है, लुइस एसिड बोला जाता है। पॉइंट नंबर 3, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डज नॉट बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल। अर्थ मेटल कैटायंस बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल्स, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एल्कली मेटल्स की बात करें, सोडियम प्लस है, मेटल कैटायन
पोटाशियम प्लस है, रुबीडियम प्लस है, सीजियम प्लस है, एल्केलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है। ध्यान रखना इन सभी स्पीशीज में बेटा पॉजिटिव चार्ज तो आपको दिखाई दे रहा है, बट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई बेटा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे, इनको आप इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में मत डालिएगा। दिस इज फाइन। पॉइंट नंबर 4 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, H3O plus and NH4 plus does not accept, listen carefully, does not accept the pair of electrons because they do not have vacant orbital, इनके पास vacant orbital नहीं होता है, but still these species behaves as a these species are the source of electrophile और electrophile का source होती हैं। क्या electrophile generate करती हैं? H plus generate करती हैं। That's why बेटा जी H3O plus को एंड NH4 plus को भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाला जाता है। H3O plus क्या प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग एनी रिएक्शन? H plus प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली NH4 plus क्या प्रोड्यूस करती है? H plus प्रोड्यूस करती है। मतलब ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस भी कर सकती है, ऐसी स्पीशीज को भी आप बेटा जी किस कैटेगरी में डालते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डालते हैं, राइट? ध्यान रखना, these species can't accept the pair of electron because central atom do not have the vacant orbital. But these species can produce electrophile. That's why beta G, इन species को अपन किस category में डालते हैं? Electrophiles का category में डालते हैं. Category number 2 का अपन discussion करना. सुन लीजिए, neutral species with incomplete valence shell. Second category क्या है बेटा? Neutral species with incomplete valence shell. मेरी बात सुनिएगा. Example का यदि अपन बात करें, example आप ले सकते हैं CH3 CH2 radical. यदि इस carbon का बात करें, 7 electron आपको दिखाई दे रहा है. It can accept only single electron. That's why इसको भी आप क्या बोलेंगे? Electrophile का category में डालेंगे. Because कोई भी species जो एक electron या दो electron को accept कर सकती है, उनको क्या बोला जाता है? Electrophiles बोला जाता है. इसके अलावा RC double bond O, this is O. ये भी अपन क्या बोलेंगे? Electrophile की category में आएगा. CH3 radical electrophile की कैटेगरी में आएगा. मतलब ऐसा जितना भी स्पीशीज है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. दिक्कत ये है, ये तो बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, क्या आप इन्हें लुईस एसिड की कैटेगरी में डालेंगे? ध्यान रखना बेटा, ये जो सेकेंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इट विल नॉट बिहेव एज अ लुईस एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. लुईस एसिड का डेफिनेशन क्या है? एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा? सुन लीजिए, दी स्पीशीज विल नॉट बिहेव एज अ लुईस एसिड.
बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इनको लुईस एसिड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। आगे बढ़े, कैटेगरी नंबर थ्री का बात करते हैं, कंप्लीट वैलेंस शेल, कंप्लीट वैलेंस शेल बट इट शुड बी एक्सपेंडेबल, बेटा यहां हम ऐसी स्पीशीज पढ़ने वाले हैं जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है बट वो अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द वैकेंट ऑर्बिटल ऑल्सो। एग्जाम्पल की बात करें, PCl5, SbCl5, ZnCl2, SnCl2, AlCl3 etc. सभी स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें वैलेंस शेल क्या है बेटा, कंप्लीट है, बट एवरी स्पीशीज हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एवरी स्पीशीज हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एंटीमनी के पास भी है, जिंक के पास भी है, टिन के पास भी है, एल्युमिनियम के पास भी है, दे हैव द वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आएगी, वो वैकेंट ऑर्बिटल में जाके अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकती है, राइट बेटा। सो दिस स्पीशीज हैज अ कंप्लीट वैलेंस शेल बट दैट वैलेंस शेल शुड बी एक्सपेंडेबल। ऐसी स्पीशीज को भी आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डालते हैं। आगे बढ़े, कैटेगरी नंबर फोर, कंप्लीट वैलेंस शेल बट वेकेंट ऑर्बिटल गेट्स क्रिएटेड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा इस कैटेगरी में क्या आती है, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं CO2 को, कार्बन का चार बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, बट कोई भी यहाँ पे रिच स्पीशीज आती है जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकती है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड दिस आर माइनस विल अटैक ऑन कार्बन, राइट, बिकॉज जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इट हैज द वैकेंट ऑर्बिटल। ये आपका बेटा जी कैटेगरी नंबर फोर है, दिस इज ओ माइनस, ये आर जुड़ जाएगा। ऐसी स्पीशीज को भी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, CO2 आ सकता है, SO3 आ सकता है, SO2 आ सकता है, etc. बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा जी, ये भी आपके बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, राइट। ये चार कैटेगरी है जो अपन को पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिस कैटेगरी में हमने पढ़ा है इन इलेक्ट्रोफाइल्स को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर कैटेगरी वन सबसे ज्यादा या अच्छी इलेक्ट्रोफाइल है, फॉलोड बाय कैटेगरी टू, फॉलोड बाय कैटेगरी थ्री, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा बेटा जी, कैटेगरी फोर आएगा। ये आपका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल का बात करें, ये फिनोल लिया, CO2 ऐड किया, आंसर आएगा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट्स द रीजन, बिकॉज CO2 आपका एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल में आता है। बट यदि यही रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करवाते हैं CO2 विद OH-, आपको बेटा जी बेसिक मीडियम में फिनोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन, दिस इज O-, and definitely it will attack on CO2, right beta, matlab this reaction is feasible। CO2 is a weak electrophile
तो वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन यदि करवाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, एंड दैट फिनोक्साइड हैज, राइट। जैसे मान लीजिए हमने फिनोल लिया और फिनोल में हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया NO2+। अब NO2+ बेटा कैटेगरी 1 का इलेक्ट्रोफाइल है एंड दिस इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई एल्केलाइन मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा एंड डायरेक्टली आपका NO2 जो होगा, या मैं बोलूं बेंजीन रिंग, आसानी से बेटा जी NO2 के ऊपर अटैक कर सकती है। सर यहाँ पे फिनोल ने रिएक्शन कर लिया बिकॉज NO2+ बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल या एक वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से आसानी से रिएक्शन कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसके बारे में अपन नॉलेज होना जरूरी है, राइट बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स का बात करेंगे। वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बेटा, बाय।